हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल आता है उसमें कितना अलाउेबल वेस्टेज मानने होता है। ठीक है, जैसा कि आप जान सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड 1200 इसके अनुसार जो बताया गया है वो अलाउेबल वेस्टेज नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि प्रैक्टिकली में कितना वेस्टेज आता है। जो कि काम आप साइड पे करें होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वेस्टेज आता है मटेरियल में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना कंस्ट्रक्शन साइट पे वेस्टेज किस मटेरियल में कितना आता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मटेरियल का हम वेस्टेज आपको बताते हैं, परसेंटाइल करके बताएंगे और उस वेस्टेज का क्या रीजन है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें सीमेंट का, जो कि वेस्टेज है 3-4%। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीमेंट के बहुत ज़्यादा पार्टिकल फाइन होने के वजह से ये हवा में उड़ जाते हैं जब हम सीमेंट को मिक्स करते हैं किसी अन्य मटेरियल के साथ। अब कोर्स अगर क्रेट का बात किया जाए तो इसमें 6-8% का वेस्टेज होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, इसका क्या है, जो इनके पीसेस होते हैं छोटे छोटे वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन गिर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सैंड की बात किया जाए तो इनमें अलाउेबल वेस्टेज है 6-15%। अब सैंड क्या होता है, जब प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें सीप से जो चालते हैं उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के समय भी कुछ पार्टिकल गिर जाते हैं जिसके वजह से वो सब वेस्टेज काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइल का। ठीक है, तो टाइल में 1-2% वेस्टेज आता है। इसमें क्या है, टाइल को ब्रेक ट्रांसपोर्टेशन के समय टाइल कुछ टूट जाता है, कुछ काम करते समय उसको काटा जाता है, जिसके वजह से जो भी वेस्टेज आता है बस उतना ही है, तो 1-2% काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद टाइल के बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट का। ठीक है, तो ग्रेनाइट में वेस्टेज जो है वो 8-12% होता है। इसमें भी सेम वही है, ट्रांसपोर्टेशन के समय कुछ ग्रेनाइट टूट जाता है और काम करते समय भी कटिंग में कुछ वेस्टेज मटेरियल निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए स्ट्रक्चर स्टील का, तो इसमें 12-15% वेस्टेज आता है, क्योंकि इसमें फैब्रिकेशन वर्क जब होता है तो इसमें कटिंग, बेंडिंग और स्टील प्लेट और सेक्शन जो भी है उसको ज्वाइंट करने के लिए कटिंग होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज आता है। तो 12-15% लगभग वेस्टेज हो ही जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एग्जैक्ट साइज का हमें चैनल सेक्शन नहीं मिलता है। और ब्रिक की बात किया जाए तो 3-4% वेस्टेज है। ठीक है, और फीलिंग सॉइल जो होती है उसमें भी 4-5% वेस्टेज है, उसका रीजन बगल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप की वीडियो लेके, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले और आप काम करा सकें और बिल भी अपना बना सकें।